नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे हा एका गाजलेला एक चित्रपट आहे भारतीय सिनेमासृष्टीत, ज्याला माईल स्टोन असं समजलं जाते. तर असा हा जो चित्रपट आहे शोले, द मेकिंग ऑफ शोले याबद्दलचा हा व्हिडिओ आहे. शोले या चित्रपटाचा खूप मोठा प्रभाव भारतीय जनमानसावर आहे, तसाच तो माझ्यावर पण आहे. मी सुद्धा शोले अनेक वेळा पाहिलेला आहे आणि पाहतोही, आणि त्यातले अनेक डायलॉग माझे पाठ झालेले आहे. आणि माझे जे मित्रमंडळ आहे त्यांना सुद्धा शोले खूप आवडतो. पण हा शोले कसा बनवलेला आहे, म्हणजे मेकिंग ऑफ शोले तर याच्यामध्ये आहेत, परंतु बॉलिवूड आणि हॉलिवूडचे काही जुने सिनेमे याच्यातून कसा हा काही याच्यातले सीन कॉपी करून बनवलेला आहे हे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये आता दिसेल. आणि इथे एक स्पष्ट करू इच्छितो की हा व्हिडिओ मला व्हॉट्सॲपवरनं प्राप्त झालेला आहे आणि यशवंत गायकवाड असं नाव त्या व्हिडिओमध्ये दिसते. त्या नावासहित मी हा व्हिडिओ इथे माझ्या चॅनलवर प्रसारित करतो आहे. तर ज्यांनी कोणी हा व्हिडिओ बनवला त्यांना असं सांगू इच्छितो की मला हा काही व्हिडिओ कॉपी करायचा नाही आहे, परंतु अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावा म्हणून मी हा माझ्या चॅनलच्या माध्यमातून प्रसारित करीत आहे. तर त्यांची मी इथे क्षमा मागतो की मी माझ्या चॅनलवर हा व्हिडिओ प्रसारित करत आहे म्हणून. तर तुम्ही मात्र हा व्हिडिओ जरूर पहा की हॉलिवूडचे कसे सीन, हॉलिवूडच्या सिनेमांमधले कसे सीन याच्यात शोलेमध्ये कॉपी केलेले आहे. तर तुम्हाला निश्चितच हा व्हिडिओ आवडेल. म्हणजे इव्हन जय वीरूचा लग्न ठरवण्यासाठी मावशीकडे जातो तर तो सीन, वीरू टाकीवर चढतो बसंतीशी लग्न करण्यासाठी तो सीन, आणि तो डाकू आपल्या ट्रेनच्या मागे लागतात तो सीन, तर असे अनेक सीन याच्यामध्ये शोलेमध्ये कॉपी केलेले आहे. जय जेव्हा वीरूचा लग्न ठरवण्यासाठी मावशीकडे जातो तर तो सीन सुद्धा एका किशोर कुमारच्या जुन्या चित्रपटातून घेतलेला आहे. तो आपल्याला बघितल्यावर जास्त आनंद होईल माझ्या हे सांगण्यापेक्षा, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ बघाल हा तेव्हा ते पाहताना तुम्हाला जास्त मजा वाटेल. तर असा हॉलिवूडच्या अनेक सिनेमांमधनं ज्या जे शोलेच्या आधी झळकलेले आहेत त्यातनं हा कॉपी केलेला. आपण सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, आर डी बर्मन यांचं खूप कौतुक झालेलं आहे की यांनी खूपच चांगला बनवलेला आहे, परंतु त्यांनी सध्या हे सीन कसे उचललेले आहे आणि आर डी बर्मननी कसं महबूबा महबूबा हे गाणं एका दुसऱ्या गाण्यामध्ये उचललेलं आहे हे आपल्याला या व्हिडिओद्वारे लक्षात येईल. परंतु तरीही हे पण इथे स्पष्ट करू इच्छितो की आता असे तर अनेक चित्रपट कॉपी झालेले आहेत, परंतु शोले हा चित्रपट जरी आता आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून कळलं की हा कॉपी झालेला आहे, तरी पण त्याचा प्रभाव भारतीय जनमानसावरून काही कमी होणार नाही. कारण की त्याला पूर्ण भारतीय छाटणी, भारतीय संस्कृतीचं स्वरूप देण्यात आता दिग्दर्शक रमेश सिप्पी ही टीम पूर्ण यशस्वी झाली होती आणि म्हणूनच तो चित्रपट लोकांना खूप भावला आणि अजूनही तो लोकांना भावतो. आणि जरी काही सीन कॉपी केलेले असले, जरी काही त्यांना मिळालं असलं, तरी स्वतःच सुद्धा याच्यामध्ये लेखकांनी आणि दिग्दर्शकांनी खूप टाकलेलं आहे, ते पण आपण नाकारता येणार नाही. आणि कितीही आपल्याला कळलं की शोले इकडून कॉपी केला आहे, तिकडून कॉपी केलेला आहे, तरी पण मला सुद्धा माझं स्वतःचं असं मत आहे आणि तुम्हालाही ते पटेल की तरी पण शोलेची आवड ही काही कमी होणार नाही. शोले हा माईल स्टोन चित्रपट जो आहे याचा पगडा भारतीय जनमानसावर अखंड राहील. धन्यवाद. आता जास्त वेळ काही घेत नाही, तुम्ही हा व्हिडिओ बघा पाहिजे. थँक्यू. चॅनल सबस्क्राईब करा. दोस्तों, दो अलग अलग फिल्मों के ये एक जैसे सीन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि माजरा क्या है. अब इस कैरेक्टर को भी देख लीजिए. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की, जिसकी कहानी, जिसके डायलॉग और जिसके विजुअल इफेक्ट्स ने भारतीय सिनेमा का एक नया युग आरंभ किया था. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले फिल्म और इसके अनेक करामाती सीन और टेक्निक दूसरी फिल्मों से इंस्पायर्ड थे. ट्रेन पर डाकुओं के हमले वाला सीन 1959 में आई हॉलीवुड फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कॉपी किया गया था. अब इस सीन को ही देख लीजिए.
1968 में आई हॉलीवुड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट का यही वो सीन है जिससे शोले में ठाकुर बलदेव सिंह के पूरे परिवार की हत्या वाला सीन रिक्रिएट किया गया था। और तो और ठाकुर के मासूम पोते की हत्या को जिस नाजुक और मार्मिक तरीके से फिल्माया गया वो भी इसी फिल्म से लिया गया था। सीधे तौर पर बच्चे को गोली लगते न दिखाकर जिस रेल विशिल का सहारा लिया गया वो भी सेम टू सेम कॉपी है। शोले ने रमेश सिप्पी को फिल्मी जादूगर और सलीम जावेद को स्क्रिप्ट राइटिंग का बादशाह बना दिया था, लेकिन सीन बाय सीन यह वीडियो देखने के बाद शायद आपका नज़रिया भी बदल जाए। हम ये जताने की कतई कोशिश नहीं कर रहे कि शोले फिल्म एक तरह की रचनात्मक चोरी थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह तमाम बेहतरीन फिल्मों से थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लेकर बनाई गई एक फिल्मी कॉकटेल थी। दोस्तों, दुनिया की हर रचना किसी न किसी से कहीं न कहीं से प्रेरित तो होती है, लेकिन शोले में यह समानता इतनी ज्यादा है कि इसे इंस्पिरेशन नहीं बल्कि रिक्रिएशन कहना ज्यादा उचित होगा। पानी की टंकी पर शराब पीकर सुसाइड की धमकी देने वाले बीरू का यह सीन तो आप नहीं भूले होंगे, लेकिन यह शख्स वीरू नहीं कोई और है। असल में यह सीन 1969 में आई हॉलीवुड फिल्म द सेंटा विटोरिया से लिया गया था। Get him down. He has a rope. If he wants to kill himself, let him. He will do me a big favor. शोले में जय यानी अमिताभ बच्चन वीरू और बसंती को गब्बर के चंगुल से जिस तरह बचा कर ले जाता है और आखिरकार जिस इमोशनल ड्रामे के साथ जय की मौत होती है, यह पूरा सीन सीक्वेंस ही ओरिजिनल नहीं बल्कि इस फिल्म से लिया गया था। पहले तो जय वीरू में इस बात के लिए तकरार होती है कि कौन बसंती के साथ यहाँ से निकल जाए और कौन लड़े, फिर फैसला सिक्का उछाल कर होता है। ओरिजिनल फिल्म में यह ताश के पत्ते से होता है। वीरू वसंती को लेकर चला जाता है, लेकिन जब लौट कर आता है तो जय हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, शोले में मेरा पसंदीदा सीन वो है जिसमें जय वीरू और बसंती की शादी का प्रस्ताव लेकर मौसी के पास आता है। पहले मुझे लगा कि बड़े बड़े सीन भले ही हॉलीवुड से लिए गए थे, लेकिन कम से कम ऐसे चुटीले और दमदार व्यंग वाले सीन शोले वालों का अपना ही होगा, लेकिन मेरा भी दिल टूट गया। दोस्तों, यह सीन किसी हॉलीवुड मूवी का नहीं बल्कि 1962 में आई किशोर कुमार की फिल्म हाफ टिकट से कॉपी किया गया था। तो कमाने भी लगेगा? वैसे तो वो बड़े ही भले मानस है, बस कभी कभी जरा प्याज खा लेते हैं। प्याज? पंडित जी, मटन मुर्गी खाने वाले को तो प्याज की जरूरत पड़ती है। अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता। विजय बाबू मदिरा भी सेवन करते हैं। देवदास थोड़े ही है, वो भी जब कभी महीने में एक आध बार गाना सुनने चले गए तो। वो संभव, एक बार शराब पी ली ना, वो भी जब कभी रेस में डबल टोट या ट्रिपल टोट लग गया तो। रेस जुआ? तो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। तो बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहेगा, जब कभी कड़की पड़ जाती है
तो अपने बाप की तिजोरी भी साफ कर देते हैं। चोरी चोरी वो संभव। तुम तो हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ, क्या होता है बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। शोले का यह डायलॉग खूब मशहूर हुआ था, लेकिन बेटे की लाश पर अंधे पिता की तड़प भी ओरिजिनल नहीं थी। यह सीन 1971 में आई हॉलीवुड मूवी अ टाउन कॉल्ड हेल से लिया गया था। दोस्तों, गिनाने चलें तो रिवॉल्वर से आम तोड़ना हो या सिक्के उछाल कर फैसले करना, शोले में प्लॉट और सीन ही नहीं, छोटे छोटे दर्जनों एक्शन हैं जो उस दौर की मशहूर फिल्मों से कॉपी किए गए थे। कमाल हो गया। लेकिन आप अपनी फेवरेट मूवी के एक और कड़वे सच के लिए दिल थाम लीजिए। शोले में म्यूजिक दिया था आरडी बर्मन ने, और सिप्पी व सलीम जावेद की तरह उन्होंने भी खूब नाम कमाया था। लेकिन पहले इस गाने और इसके ओरिजिनल ट्रैक को सुनिए और फिर असली बात बताते हैं। महबूबा महबूबा, महबूबा महबूबा, असल में यह गाना डेमी रोसोस के सॉन्ग से यू लव मी से कॉपी किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि शोले एक मसाला फिल्म थी जिसमें उस दौर के सभी देशी विदेशी मसालों का फ्लेवर था और स्वाद भी चटक आया। लेकिन ओरिजिनलिटी के पैमाने पर इसे क्या दर्जा दिया जाए, ये फैसला सिर्फ आप जैसे फैन ही कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।